गाइस, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, ये मॉडल नंबर है इसका UA23F4000 3 ARMXL। तो इसमें इसको मैंने खोल लिया है। तो खोलने के बाद में इसमें देखा है कि इसका जो SMPS का STR है वो देखिए पूरा एकदम बास्ट हो गया, मतलब पूरा ही एकदम जल गया है। तो ये STR खराब हो गया है, ये वाला पूरा एकदम। तो ये STR को अगर लगाते हैं तो ये वाला रेजिस्टेंस भी लगेगा, और नीचे में ये भी देखिए पूरा एकदम जल गया है। इसका जो भी टाइंस्टर वाइंस्टर है ये देखिए पूरा जल गया है एकदम, ठीक है। तो इसका और भी रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, तो अभी इसको इमरजेंसी में काम करना होगा। तो इसमें ये जो 524 का मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल मैं इसमें फिट करूँगा। तो उसके बाद में देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 2024 इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए ये वाला जो मॉड्यूल होता है इसको हम इससे खोलेंगे। तो चलिए, वीडियो में आप लोग बने रहिए, देखते हैं कैसे ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है लगा के। तो देखिए दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो वायर दिया हुआ है, ये वायर का थोड़ा कनेक्शन हम मॉडिफिकेशन करें। से ये जो एडजस्टेबल, ये जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट को हम नहीं लगाएंगे, तो इन वायरों को हम पूरा खोल लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए वायर को मैंने निकाल लिया हूँ, ये वायर निकल गया है, ठीक है। तो वायर निकालने के बाद में ये जो अक्टो कपलर लगा हुआ है, ये अक्टो कपलर इस साइड से, मतलब जिधर में आपका वो लगा हुआ है इधर की साइड से ये पूरा खोल लेना है। ये देखिए इसका अक्टो कपलर मैंने खोल लिया, ठीक है। तो इसका जो अक्टो कपलर है तो इसमें हम लोगों को कनेक्शन करना पड़ेगा। ब्लू कलर का जो तार है उसके कैथोड में कनेक्शन करना होगा। ये देखिए कैथोड में कनेक्शन होने को, ठीक है। और एक को एनोड में करना है। ये देखिए ये भी कनेक्शन हो गए, ठीक है। तो पहले हम लोगों को क्या है कि इसका इसका जो कनेक्शन है ये देख लीजिए एकदम परफेक्टली हो गया, ठीक है। इसको बोर्ड से बिल्कुल अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये जैसे जल गया है तो इसको हम खोल लेंगे पूरा। इसको खोल के देखिए इस पेचकस से अगर खुल जाता तो देखिए, ये देखिए खुल गया, खुल रहा है, छोटा पेचकस लगेगा इसमें, छोटा मुंह वाला। तो इसको पूरा निकाल लेंगे क्योंकि ये पूरा फट गया है, डैमेज भी हो गया। ये देखिए ये पूरा निकल गया, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। तो अब इसका जो कनेक्शन है ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है, प्राइमरी के 2 नंबर पिन पे लगाना है। 230 वोल्ट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस जगह पे थोड़ा सा वो है, उसको हटा लेते हैं, तो साफ कर लेते हैं, तो तार को घुसाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसी में कनेक्शन करना है। ये देखिए ये कनेक्शन हो गया है। ये देखिए इसका कनेक्शन मैं एक का तो कर दिया। ग्राउंड का करना है, आप कैपेसिटर के ग्राउंड पर भी दे सकते हैं, नहीं तो इस पे भी एक ग्राउंड आता है, उस वाले के ग्राउंड से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ग्राउंड आ रहा है इधर से, ये वाला, ये रेजिस्टेंस के थ्रू में ही ग्राउंड था। तो हम इस जगह पे इसका वायर निकाल लेंगे। इस जगह पे होल है, दिख रहा है, ये देखिए इसका ग्राउंड निकाल दिया। इसको भी थोड़ा सा जलाई कर देंगे, ठीक है।
करता का लगा लेंगे। लग गया इसका भी। और ये जो दो वायर लगाना है, इसका जो ऑक्टो कपलर है उसको हम पूरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ऑक्टो कपलर का जहाँ पे ये निशान दिख रहा है, निशान अंदर की साइड में, तो अंदर की साइड में ऐसे ही कनेक्शन हम लोगों को करना है, ठीक है। ऐसे ही कनेक्शन कर देने में क्या होगा, आप लोगों को जो वोल्टेज रेगुलेटर का जो चक्कर है वो चक्कर नहीं रहेगा, आपको घटाने बढ़ाने का कोई दरकार मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या है कि कभी कभी इसका वोल्टेज स्टैंड बाई जब करते हैं ना, तब इसका मतलब वोल्टेज अप डाउन होता है, और ऐसे करके लगा देने से एकदम जो भी वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट का एकदम परफेक्ट वोल्टेज आ जाता है। तो इसमें हम लोगों को एनोड कैथोड देख के लगाना है, ठीक है। तो इसका ये देखिए जो ब्लू वायर है ये एनोड है, मैंने एनोड करके रखा हूँ उधर से। देखिए ये कनेक्शन इधर से हो गया है, और येलो वाला कैथोड है जो वाला निशान जिस तरफ पे है वो एनोड होता है, और दूसरी साइड में जिस जगह पे निशान नहीं है वो कैथोड। प्रॉब्लम आता रहता है और इससे ये प्रॉब्लम आएगा नहीं आए, इसी वजह से उसका टांका लगा दिया, ठीक है। तो इसके बाद में हम करंट देंगे इसका, पहले एक बार इसका डायोड चेक कर लेते हैं कोई शॉर्ट है या नहीं है क्या है, ठीक है, वो तो मस्ट चेक करना ही होता है। और इसका फ्यूज भी चेक करना पड़ेगा, फ्यूज ठीक है या क्या है। ये देखिए डायोड तो एकदम परफेक्ट मीटर है, डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा, ठीक है, डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा। इसका फ्यूज एक बार देख लेते हैं, फ्यूज भी ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। पहले ठीक से इसको थोड़ा सा कनेक्टिविटी कर लेते हैं, और इसका बैक लाइट पहले लगा लेते हैं, और एक बार हम वोल्टेज वोल्टेज चेक करेंगे, इसके बाद में ही इसको पहले डब्बे के अंदर में रख देते हैं, पहले शॉर्टिंग वोटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पहले पावर का कनेक्शन देखते हैं, ये देखिए पावर का कनेक्शन तो मैंने लगा दिया है। तो इसका बैक लाइट में देखिए, बैक लाइट में मैं पावर दे रहा हूँ इसको, तो दोस्तों इसका बैक लाइट जला नहीं, पहले हम देख लेते हैं हमारा 220 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि वो खुला हुआ है। 220 वोल्ट हमारा खुला हुआ है, उसको कनेक्शन कर देते हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए, हम दिखाते हैं कि इसको फिटिंग करने के बाद में काम हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए इसका पावर मैंने कनेक्शन कर दिया, लेकिन इसका बैक लाइट जला नहीं, खाली बैक लाइट का कनेक्शन किए थे तो बैक लाइट तो जल नहीं रहा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें और कुछ प्रॉब्लम है या सप्लाई इसका आ नहीं रहा है, देखना होगा, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे,
ग्राउंड लेने के बाद में ये पावर का कनेक्शन मैंने दे दिया है। 12 वोल्ट चेक करना है, 12 वोल्ट चेक करने के लिए नहीं इसमें कोई भी सप्लाई बंद नहीं है, तो इसको थोड़ा पलट के देखना पड़ेगा, शॉर्टिंग नहीं है उसकी वजह से ये हम थोड़ा लगा दें। और कुछ इसमें शॉर्ट हो सकता है, आप वीडियो में बने रहिए, इसको फाइनल करके ही आपको दिखाएंगे। पहले हम इसका मेन सप्लाई चेक करेंगे पावर देने के बाद में, जो कैपेसिटर है कैपेसिटर पर सप्लाई चेक करना होगा। कैपेसिटर पर तो सप्लाई आ रहा है, कैपेसिटर पर 339 वोल्ट आ रहा है, तो इसका इस जगह पर देखते हैं वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस जगह पर वोल्टेज कोई आ नहीं रहा है, ग्राउंड तो इधर से ले लिया, इस जगह का देखिए ये वाला रेजिस्टेंस कटा हुआ है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सप्लाई जो घुसेगा ये रेजिस्टेंस कट गया है। इस जगह पे देखिए 32 वोल्ट आ रहा है और इस जगह पे कोई 9 वोल्ट के आसपास आ रहा है, इसीलिए मॉड्यूल में कोई भी सप्लाई जा नहीं रहा है, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे पहले, इससे पहले हम बल्ब से इसका जो डिस्चार्ज करेंगे कैपेसिटर को, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसका ये फ्यूज लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, तो इसमें हम एक फ्यूज ही लगा देते हैं तार का अभी फिलहाल, इसको बाद में हम फ्यूज लगा दें। इसको डब्बा के अंदर में रखते हैं तो शॉर्ट होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका ऑन बैकलाइट खाली कनेक्शन किया हुआ है, बैकलाइट लेते हैं, तो ये आ गया बैकलाइट, ठीक है, ये देखिए बैकलाइट आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम टीवी को ऑन करके एक बार देख लेंगे ये टीवी ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों ये काम क्या है कि इमरजेंसी में आपका काम लगेगा ही लगेगा, एलईडी का अभी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी कंपनी से ये सब आपके पास में अगर होगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कहीं मेटल से हम फिटिंग कर देंगे, इसको देखिए लाइट आ गया, इसका आवाज़ भी आ गया। तो देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया है बिल्कुल परफेक्ट, तो अभी इसका पिक्चर भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों।